गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं संजीत और आप लोग देख रहे हैं संजीत WWTC। आज के क्लास में बच्चों हम लोग बात करेंगे असहयोग आंदोलन के बारे में, जो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का एक बहुत ही महत्वपूर्ण आंदोलन रहा है और महात्मा गांधी के विभिन्न आंदोलनों में से एक प्रमुख आंदोलन के रूप में इसे जाना जाता है। तो आइए हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर असहयोग आंदोलन की क्या वजह रहती है, आखिर भारत में किन परिस्थितियों में असहयोग आंदोलन जो है वो प्रारंभ होता है। तो असहयोग आंदोलन का कोई एक कारण नहीं था बच्चों, असहयोग आंदोलन के प्रारंभ होने का बहुत सारे कारण थे और इन सभी कारणों के मूल कारण अंग्रेज थे, ब्रिटिश सरकार थी और उनकी नीतियां थी। चाहे मैं बात करूं रॉलेट एक्ट की, चाहे मैं बात करूं जालियांवाला बाग हत्याकांड की, या फिर खिलाफत आंदोलन का, कि आप लोग देखे होंगे कि खिलाफत आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी किस प्रकार से मुस्लिम लीग के साथ मिलकर अली ब्रदर्स के साथ मिलकर इस आंदोलन को लेकर बढ़ते हैं और किस प्रकार से अंग्रेज जो है वो भारतीय मुसलमानों के साथ विश्वासघात करता है प्रथम विश्व युद्ध के दौरान। फिर मैं बात करूं मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम 1919 की, तो ये सारे जो कारण थे ये कहीं ना कहीं मूल कारण बन जाते हैं किसका, भारत में असहयोग आंदोलन के प्रारंभ करने का। कल तक महात्मा गांधी जिनको अंग्रेजों के प्रति श्रद्धा थी, महात्मा गांधी कल तक जो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारतीयों से आग्रह कर रहे थे कि आप जो है वो ब्रिटिश सरकार का साथ दीजिए, ब्रिटिश सरकार को युद्ध में मदद कीजिए, उसी महात्मा गांधी का जो आज विचार है वो बदल गया है। उनका साफ शब्दों में अब कहना हो गया है कि अंग्रेजी सरकार जो है वो शैतान है, अंग्रेजी सरकार को उन्होंने शैतान की संज्ञा दे रहे हैं। महात्मा गांधी का मानना था कि अंग्रेजी सरकार जो है वो शैतान है और इनके साथ किसी भी प्रकार का सहयोग जो है अब वो संभव नहीं है, क्योंकि ब्रिटिश सरकार को अपनी गलती पर कोई पछतावा नहीं है और ऐसी सरकार के साथ अब सहयोग करना मूर्खता होगी। इसी वजह से महात्मा गांधी के द्वारा 1 अगस्त 1920 ईस्वी को, याद रखना बच्चों, महात्मा गांधी के द्वारा असहयोग आंदोलन की शुरुआत जो है वो भारतवर्ष में 1 अगस्त 1920 ईस्वी से प्रारंभ की गई थी, परंतु असहयोग आंदोलन का पहला प्रस्ताव कांग्रेस के विशेष अधिवेशन जो कि कलकत्ता में लाला लाजपत राय जी की अध्यक्षता में हुई थी, वहां पर इसका पहला प्रस्ताव को लाया गया था। याद रखिए महात्मा गांधी के द्वारा 1 अगस्त 1920 ईस्वी को, परंतु कांग्रेस के द्वारा पहला प्रस्ताव जो है वो कलकत्ता के विशेष अधिवेशन में लाया गया था। किनकी अध्यक्षता में? लाला लाजपत राय जी की अध्यक्षता में। लेकिन इसी अधिवेशन में कांग्रेस के ही दूसरे नेताओं के द्वारा इसका विरोध किया गया। चाहे मैं बात करूं एनी बेसेंट की, जो होम रूल लीग आंदोलन का स्टार्ट किए थे बाल गंगाधर तिलक जी के साथ साथ, है ना, तो होम रूल लीग आंदोलन की नेतृत्वकर्ता की मैं बात करूं एनी बेसेंट की, या फिर मैं मुस्लिम लीग के बड़े नेता मोहम्मद अली जिन्ना की बात करूं या बिपिन चंद्र पॉल की बात करूं, ये सारे नेताओं ने इस असहयोग आंदोलन का विरोध किया था। एनी बेसेंट ने तो एक कदम और आगे बढ़कर बोल दी, उन्होंने स्टेटमेंट दी थी कि यह भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के लिए सबसे बड़ा धक्का होगा, यानी कि हम भारतीय जो अपनी आज़ादी के लिए हमारा कदम बढ़ रहा है उसके लिए ये बहुत बड़ा आघात होगा इस प्रकार का कोई भी आंदोलन ब्रिटिश सरकार के खिलाफ चलाना। यानी कि आप देखोगे कि इस आंदोलन की शुरुआत में कांग्रेस के अंदर भी मतभेद थी, परंतु 1 अगस्त 1920 ईस्वी से महात्मा गांधी जो थे वो इस आंदोलन को प्रारंभ कर चुके थे और उनके कदम जो थे वो पीछे मुड़ने वाले नहीं थे, क्योंकि इस आंदोलन की पृष्ठभूमि को बनाने में बाल गंगाधर तिलक जी की एक बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। परंतु दोस्तों मैं बतला दूं कि बाल गंगाधर तिलक जी की मृत्यु जो होती है वो 31 अगस्त की मध्य रात्रि को हो जाती है।
यानी कि जिन्होंने महात्मा गांधी जी के साथ मिलकर आंदोलन का पृष्ठभूमि बनाया, उन्हीं की मृत्यु आंदोलन के ठीक एक दिन पहले ही उनकी हो जाती है। और महात्मा गांधी भी नहीं चाहते थे कि किसी भी परिस्थिति में ये आंदोलन जो है वो भारत में रुक जाए, चाहे कांग्रेस इसका समर्थन दे या कांग्रेस इसका समर्थन नहीं दे। आप बाल गंगाधर तिलक जी की महत्वता को आप इस बात से आकलन लगा सकते हैं कि उनकी लोकप्रियता का आकलन ऐसे लगा सकते हैं कि इस आंदोलन को चलाने के लिए जो कोष की आवश्यकता थी उसका नाम रखा गया था तिलक फंड, तिलक जी की याद में। और बच्चों मैं बताऊं कि उस जमाने में 6 महीने के भीतर तिलक फंड में 1 करोड़ रुपया जमा हो गया था। अभी के दौर में 1 करोड़ रुपया भले ही बहुत बड़ी रकम ना हो सकती है, लेकिन 1920 के दौर में 6 महीने के अंदर में 1 करोड़ रुपया जमा हो जाना बहुत ही आश्चर्य की बात थी। तो आप समझ सकते हो कि कितनी बड़ी वो शख्सियत थे। तो आप लोगों ने देखा कि असहयोग आंदोलन का पहला प्रस्ताव कांग्रेस के द्वारा सितंबर 1920 में लाया गया था, परंतु कांग्रेस के द्वारा इस आंदोलन की जो मुहर लगती है, कांग्रेस के द्वारा जो सहमति दी जाती है, वो नागपुर अधिवेशन में जो कि दिसंबर 1920 ईस्वी में आयोजित होती है। यानी कि विशेष अधिवेशन में पहला प्रस्ताव आया और कांग्रेस का जो नियमित अधिवेशन नागपुर में हुआ दिसंबर 1920 उसी वर्ष उसमें फाइनल मुहर लग गया कि नहीं, गांधी जी के द्वारा जो ये जो आंदोलन चल रहा है इसमें कांग्रेस का भी सहमति है, यानी कांग्रेस भी डटकर साथ खड़ा है। इसी से गांधी जी काफी उत्साहित हो जाते हैं और उन्होंने कहा था कि अब तो 1 वर्ष में मैं स्वराज्य हासिल करके रहूंगा। यानी कि जिस प्रकार से आंदोलन से लोग जुड़ते जा रहे थे, चाहे वो समाज का किसी भी वर्ग का हो, चाहे वो किसान वर्ग का हो, मजदूर वर्ग का हो, चाहे वो मिडिल क्लास का हो या अपर क्लास के लोग हो, सभी वर्ग का जिस प्रकार से समर्थन मिल रहा था, गांधी जी का हौसला जो था वो 7वें आसमान पे था। और गांधी जी उत्साहित होकर नारा देते हैं कि 1 वर्ष में मैं स्वराज्य हासिल कर लूंगा। क्यों? क्योंकि उनका आंदोलन का मोटो था असहयोग। असहयोग का मतलब ये होता है कि सहयोग नहीं। गांधी जी का मानना था कि आज तक ये जो ब्रिटिश सरकार हमारे ऊपर शासन करते आ रही है, इसकी सबसे बड़ी वजह ये रही है कि हम भारतीय ही इनका कहीं ना कहीं सहयोग करते आ रहे हैं। यदि भारतीय इन ब्रिटिश सरकार का सहयोग करना बंद कर दे तो उसी समय से ब्रिटिश सरकार के लिए, ब्रिटिश सत्ता के लिए खतरे की घंटी जो है वो बज जाएगी। और महात्मा गांधी जो थे वो 1 अगस्त 1920 को वो अलार्म बजा चुके थे और इसीलिए उन्होंने नारा दिया था कि 1 वर्ष में मैं स्वराज्य हासिल करके रहूंगा, है ना। तो अब आप लोगों के भी मन में सवाल आ रहा होगा कि आखिर बाबा जो थे वो किए क्या इस आंदोलन में, महात्मा गांधी इस आंदोलन में क्या किए। इस आंदोलन का स्वरूप में देखोगे बच्चों तो दो चीज बातें हैं, मुख्यतः दो बातें हैं, एक सकारात्मक और दूसरा क्या है नकारात्मक। मैं पहले नकारात्मक चीज़ों की बात करता हूँ, उसके बाद मैं सकारात्मक चीज़ों की बात करता हूँ। तो इसमें क्या किया गया भाई, तो स्कूल कॉलेजों का बहिष्कार किया गया। तो गांधी जी क्या कहना था भाई कि स्कूल कॉलेज का आप बहिष्कार कर दीजिए तो क्या अंगूठा छाप बन के रहिए? जी नहीं, गांधी जी का कहना था कि ब्रिटिश सरकार द्वारा संचालित स्कूल कॉलेजों का बहिष्कार किया जाए। और गांधी जी की इस बात का भारत के विद्यार्थियों ने भी सर आंखों पर रखा, गांधी जी को निराश नहीं किया और उन भारत के विद्यार्थियों ने भी स्कूल कॉलेजों का बहिष्कार किया। तो फिर क्या हुआ भाई, हमारे लिए पढ़ने की क्या व्यवस्था हुई, तो राष्ट्रीय स्कूल की स्थापना की गई, देसी विद्यापीठ खोले गए। ये सकारात्मक कार्य हुए। एक नकारात्मक कार्य ये हुआ कि स्कूल कॉलेजों का बहिष्कार किया गया तो उसके बदले में हमारे यहाँ देसी विद्यापीठ खोले गए, जैसे कलकत्ता में विद्यापीठ खोले गए, बनारस में विद्यापीठ खोले गए। तो इस प्रकार से विभिन्न विद्यापीठों की स्थापना की गई ताकि हमारे बच्चे जो हैं वो देसी स्कूल में पढ़े, देसी कॉलेजेज में पढ़े, अंग्रेजों की स्कूल कॉलेज का वे बॉयकट करें, विरोध करें।
ठीक इसी प्रकार से सरकारी सेवा का उन्होंने कहा कि विरोध किया जाए, सरकारी नौकरी में जितने लोग हैं सब त्याग पत्र दे दें ताकि उनका सहयोग मिलना जो है वो बंद हो जाए। ठीक है, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया। और जब जाहिर सी बात है कि विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया जाएगा तो हम लोग अपने स्वदेशी वस्तुओं के प्रयोग पर क्या करेंगे, बल देंगे। यानी गांधी जी का इस आंदोलन में मोटो था कि विदेशी वस्तुओं को बहिष्कृत करो और अपने देश के चीजों को अंगीकृत करो, अपने देश की चीजों को एडॉप्ट करो। इसके लिए चरखा चलाइए और खादी कपड़ा पहनिए, अंग्रेजी सूट बूट छोड़िए, है ना। सरकारी न्यायालय का विरोध कीजिए, सरकारी न्यायालय से जुड़े जितने वकील थे, चाहे आपका मोतीलाल नेहरू हो, चाहे जवाहरलाल नेहरू हो, चाहे राजेंद्र प्रसाद हो या सी आर दास हो, इन सभी लोगों ने गांधी जी की बातों को माना और उन लोगों ने त्याग पत्र दिया। तो जाहिर सी बात है कि सरकारी न्यायालय का जब विरोध करेंगे हम अपने फैसले के लिए सरकारी न्यायालय में नहीं जाएंगे, तो फिर हमारे जो विवाद है उनका सॉल्यूशन कहाँ पे होगा। तो इसके लिए गांधी जी ने पंचायत के गठन पर जोर दिया कि हर पंचायत में पंचायत का गठन किया जाए और वहीं पर इन सभी फैसलों का निपटारा किया जाए। किसी भी परिस्थिति में ब्रिटिश न्यायालय हम लोगों को नहीं जाना है। तो ये सारी, और साथ ही साथ उपाधि वापस करने का कार्यक्रम चलाया गया। जैसे गांधी जी को भी अंग्रेजों ने कैसर हिंद की उपाधि दी थी, तो गांधी जी ने कहा लो भैया अपना उपाधि रख लो। जमुना लाल बजाज को भी राय बहादुर की उपाधि मिली थी, उन्होंने भी अपने टाइटल को अपनी उपाधि को रिटर्न कर दिया। इस प्रकार से भारत के बहुत सारे नेताओं को जो उपाधि मिली थी इस आंदोलन में क्या कर दिया गया, वो वापस कर दिया गया विरोध के प्रतीक के रूप में, है ना। आइए अब इस आंदोलन से जुड़ी कुछ और रोचक बातें मैं बतलाता हूँ, है ना। कि सी आर दास, आप यहाँ पे नाम देख रहे होंगे कि सी आर दास मतलब चितरंजन दास, ये पहले भारतीय थे, ये पहले वकील ऐसे थे, पहले भारतीय वकील थे जिन्होंने असहयोग आंदोलन में वकालत से त्याग पत्र दिया था। यानी पहले वकील थे सी आर दास जिन्होंने असहयोग आंदोलन में गांधी जी की बात को मानते हुए त्याग पत्र दिया था, ठीक है। और अली ब्रदर्स पहले ऐसे भारतीय थे जिनको इस असहयोग आंदोलन में गिरफ्तार किया गया था। तो दो रोचक जानकारियां, सी आर दास पहले भारतीय जिन्होंने त्याग पत्र दिया था वकालत से, और अली ब्रदर्स मोहम्मद अली और शौकत अली, दो भाई थे खिलाफत आंदोलन में, मैं बताया हूँ मोहम्मद अली और शौकत अली, इन लोगों को असहयोग आंदोलन के दौरान गिरफ्तार किया गया था। और असहयोग आंदोलन के दौरान हुई ये पहली गिरफ्तारी थी, और इसी वजह से जब अली ब्रदर्स को गिरफ्तार कर लिया जाता है उन्हें रिहा नहीं किया जाता है। इन बिटवीन इसी बीच नवम्बर 1921 में प्रिंस ऑफ वेल्स का भारत में आगमन होता है। दो चीजें हो रही, एक तरफ अली ब्रदर्स को जेल में डाला गया है, दूसरी ओर है बच्चों कि प्रिंस ऑफ वेल्स का भारत में आगमन होता है और इस आगमन का भारतीय कांग्रेस के द्वारा, गांधी जी के द्वारा भरसक विरोध किया जाता है कि या तो आप अली ब्रदर्स को जेल से रिहा कीजिए या फिर प्रिंस ऑफ वेल्स का हम लोग बॉयकट करेंगे। उनको काले झंडे दिखलाया जाता है, और मैं बताऊं कि इसी विरोध प्रदर्शन की वजह से कई जगहों पर लाठी चार्ज की जाती है, भारतीय आंदोलनकारियों के ऊपर तरह तरह से जुल्म और अत्याचार किया जाता है। लगभग इस विरोध प्रदर्शन के दौरान 60,000 भारतीय आंदोलनकारियों को गिरफ्तार किया जाता है जब वो प्रिंस ऑफ वेल्स का बॉयकॉट करते रहते हैं। तो ये कुछ रोचक जानकारियां हैं। मैं और बातें आपको बतलाने की कोशिश करता हूं कि असहयोग आंदोलन एक ऐसा आंदोलन था जो पूरे भारतवर्ष में चल रहा था। मैं बात यदि करूं पंजाब की, तो पंजाब में इस आंदोलन का नेतृत्व जो है वो लाला लाजपत राय के द्वारा किया जा रहा था। ठीक इसी प्रकार से संयुक्त प्रांत के नाम से, जिसे आज हम उत्तर प्रदेश कहते हैं, यूपी कहते हैं, उस यूपी में
आंदोलन का नेतृत्व जो है वो नेहरू जी के द्वारा किया जा रहा था, मोतीलाल नेहरू और जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा। ठीक उसी प्रकार से बंगाल में हमारे सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा इस आंदोलन का नेतृत्व किया जा रहा था। ठीक उसी प्रकार से बिहार की बात किया जाए तो हम लोग बिहार भी पीछे नहीं थे, झारखंड भी उस समय जो था वो बिहार का ही पार्ट था। और मैं बताऊं कि झारखंड में भी रांची में विभिन्न धनी सिंह खेरवार के द्वारा भी इस आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया गया था। पलामू के किले में एक विशाल मीटिंग का आयोजन किया जाता है असहयोग आंदोलन में, और गांधी जी ने कलकत्ता अधिवेशन में इनसे कहा था, धनी सिंह खेरवार से, कि तुम लोग जंगल को काटो और कपास उगाओ, चरखा चलाओ, झारखंड ऐसे ही आज़ाद हो जाएगा, है ना। तो इन लोगों ने हजारों पेड़ को काट दिया था और इन लोगों ने कपास की खेती शुरू कर दी थी। तो ये मत सोचना कि हम झारखंड वाले जो थे असहयोग आंदोलन में गहरी नींद में सोए थे, बिल्कुल नहीं, हम लोग भी चल रहे थे गांधी जी के साथ कदम से कदम मिलाकर। तो बिहार में जो आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे वो मजरूल हक थे। ठीक इसी प्रकार से तमिलनाडु में चक्रवर्ती राजगोपाला चारी, जिनका मैं नाम शॉर्ट में लिखा हूं सी राजगोपालाचारी, है ना, ये एक ऐसा आंदोलन था जिसमें चंद्रशेखर आजाद भी महात्मा गांधी के साथ, सुभाष चंद्र बोस जैसे गरम दल के नेता भी गांधी जी के कदम से कदम मिलाकर चलते हैं। और ये आंदोलन पूरे भारत में एक व्यापक रूप धारण हासिल कर लेता है और ऐसा प्रतीत होता है कि वाकई में हम लोगों को भले ही एक वर्ष में स्वराज ना मिले, लेकिन वो दिन दूर नहीं है कि जब हमें वो आज़ादी जो है वो मिल जाएगी। परंतु एक ऐसी घटना घटित होती है कि जिसके वजह से महात्मा गांधी ना चाह कर भी इस आंदोलन को अचानक पावर ब्रेक लगा कर रोक देते हैं। तो कौन सी घटना घटित होती है, गांधी जी क्यों पावर ब्रेक इस आंदोलन में लगाते हैं, इन सब चीज़ों का आप आंसर जानना चाहते हो तो आप मेरे चैनल से जुड़े रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ हमारे वीडियो को शेयर कीजिए। मैं जल्द आ रहा हूँ उस एपिसोड को लेकर, तब तक के लिए बच्चों गुड बाय।